तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास आया है जम्मू कश्मीर के डोडा से मुदस्सर इकबाल वानी भाई साहब का डेड सेट टॉप बॉक्स विजन 8007 का है। रंजन साहू भाई साहब का तो अभी फ़िलहाल में रिपेयर नहीं हुआ है, इन्होंने विजन का 8 कुछ एंड्रॉयड बॉक्स भेजा है, बहुत महंगा वाला, जो कि रिपेयर करना बाकी है। इस बॉक्स में मैं विजन 8007 बॉक्स को रिपेयर करना बताऊँगा। ये मुदस्सर इकबाल वानी भाई साहब का बॉक्स है, इन्होंने जम्मू कश्मीर के डोडा से भेजा है हमको रिपेयरिंग के लिए। अगर आपका भी कोई सा बॉक्स डेड बॉक्स हो, रिपेयर नहीं हो रहा हो, तो आप मुझे भेज सकते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू। सिर्फ 52 रुपये लगते पार्सल पोस्ट के, 52 रुपये में पूरे इंडिया के किसी भी कोने से बॉक्स मेरे पास आ जाएगा रिपेयर, और मैं रिपेयर करके वापस आपको भिजवा दूँगा। तो ये भाई साहब का नाम मैं बॉक्स पर लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत से बॉक्स होते हैं तो उनमें मिल ना जाए, इसलिए मैं हर एक बॉक्स पर उसके मालिक का नाम लिख देता हूँ। तो इन्होंने जम्मू कश्मीर के डोडा सिटी के घाट गांव से भेजा है हमको ये विजन 8007 1506 टीवी वाला बॉक्स रिपेयरिंग के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इसकी ये जो आईसी दिख रही है यहाँ से निकाल लेना है बॉक्स खोल के, और यहाँ पे एक गोल गोल निशान है, ये एक नंबर का पॉइंट है। जब भी निकालो तो वापस इसी पॉइंट पर वहीं पर सोल्डिंग करना है आपको। ये देख लो, मैंने आईसी निकाल ली, और ये USB प्रोग्रामर की ये जो क्लिप है इस पर मैंने सोल्डिंग कर दिया है। दोस्तों, इस पे सोल्डिंग किए बगैर वो जो क्लिप वाला रहता है उससे आईसी डिटेक्टर नहीं होती है, इसलिए मुझे इस पे सोल्डिंग करके ही हर बार करना पड़ता है। और उसके बाद आपको कंप्यूटर में लगा देना है, जैसे ही लगाओगे लाल लाइट जलेगी, अगर कुछ काम करोगे तो पीली लाइट जलेगी। अब सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर आके आपको इसका जो सॉफ्टवेयर है USB प्रोग्रामर का वो खोल लेना है। और दोस्तों, मैं खोल लेता हूँ USB प्रोग्रामर का ये सॉफ्टवेयर वर्जन 1.4 वाला। उसके बाद सबसे पहले 4 MB सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और उसके बाद डिटेक्ट पर क्लिक करना है। ये डिटेक्ट करने पे चिप आईडी नंबर बता देता है, यानी कि आपकी चिप डिटेक्ट हो गई है। उसके बाद आपको रीड करना है, सबसे पहले रीड करने के बाद ही इसका डाटा आ जाएगा। रीड होने के बाद आपको इरेस करना है, और उसके बाद ब्लैंक करना है, उसके बाद फिर से एक बार रीड करना है कि आपका जो सामान आपने इरेस किया है वो इरेस हुआ या नहीं। तो अभी फ़िलहाल में तो रीडिंग की प्रोसेस चल रही है। देखो दोस्तों, रीडिंग में इसने बता दिया डाटा इसके अंदर का, अब आपको इरेज करना है, और इरेज करने के बाद इसको आपको फिर से एक बार ब्लैंक करना है। और दोस्तों, ये जब तक इसकी प्रोसेसिंग चलती है इस पर पीला वाला बल्ब चलता है, ये देखो इरेज हो गया। अब आपको एक बार ब्लैंक फिर से कर देना है, ब्लैंक में थोड़ा सा ये टाइम लेता है। तो दोस्तों, अगर आपका कोई सा भी डेड बॉक्स हो तो आप मुझे भिजवा सकते हैं रिपेयरिंग के लिए, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो हम तब तक वीडियो को आगे बढ़ा देते हैं। देखो दोस्तों, ब्लैंक हो चुका सक्सेसफुली। अब एक बार इसको फिर से रीड कर लेते हैं कि हमने जो भी इसमें डाटा था उसको इरेज या ब्लैंक किया तो वो हुआ या नहीं। तो दोस्तों, अभी ये प्रोसेसिंग चल रही है, और प्रोसेसिंग में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, और मैं इस वीडियो को थोड़ा सा कट नहीं कर रहा हूँ ये प्रोसेसिंग में, क्योंकि कुछ बंदों को करते आता नहीं है, वो बोलते हैं कि थोड़ी सी देर में प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, इरेज हो जाती है। तो फिर आपको ये सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करना, ओपन में जाके ये मैं सॉफ्टवेयर इसमें डाल रहा हूँ वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद राइट पर क्लिक करना है। राइट करने से सॉफ्टवेयर आपकी चिप आईसी पर चढ़ जाएगा। और दोस्तों, राइट करने के बाद आपको एक बार वेरीफाई पे भी क्लिक करना है। जब आपकी प्रोसेसिंग चलेगी, इसकी दोनों लाइटें जलेगी, लाल के साथ में पीली लाइट भी जलेगी। ये जो है दोस्तों, अभी राइटिंग का काम चल रहा है इस पर, मतलब आपकी जो चिप आईसी उस पर सॉफ्टवेयर चल रहा है। और दोस्तों, राइट कंप्लीट हो गया, अब आपको एक बार वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई कंप्लीट होने के बाद में चिप आईसी को कंप्यूटर से निकालना है, और वापस से सेट टॉप बॉक्स में सोल्डिंग कर देना है। और ध्यान रहे, जिसका एक नंबर का पॉइंट था वहाँ पर, वो वैसा का वैसा वहीं पर उसके चारों पॉइंट सोल्डिंग करना है। अगर आपने उल्टी उस पर चिप सोल्डिंग कर दी तो आपका बॉक्स फिर से ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों, ये प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और आपका कोई सा भी डेड बॉक्स हो और आपसे रिपेयर नहीं हो रहा हो, तो आप मुझे भिजवा सकते हैं, मैं उसे रिपेयर कर दूंगा। पोस्ट ऑफिस से भिजवाने का चार्ज नॉर्मल पोस्ट पार्सल पोस्ट का 52 रुपये लगता है, स्पीड पोस्ट का कुछ 100 से ज़्यादा लगता है। तो अब जो है, मैंने निकाल दिया है USB प्रोग्रामर, और अभी इसकी आईसी दोस्तों यहाँ से निकाल करके
मैं वापस से मेरे सेट टॉप बॉक्स में लगा देता हूँ, यानी कि मुदस्सर इकबाल वानी भाई साहब के सेट टॉप बॉक्स में वापस से आईसी सोल्डिंग कर देता हूँ। और मेरी उम्मीद है कि मेरा वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को सॉफ्टवेयर रिपेयर करना आ जाएगा जो डेड बॉक्स होते हैं। ये मैंने आईसी में सोल्डिंग कर दिए फिर से। और दोस्तों अब मैं आपको ये चला के भी बताता हूँ बॉक्स को। ये यहाँ से मैंने निकाल दिए यूएसबी प्रोग्रामर की जो प्लेट है, इस पे से मैंने आईसी निकाल करके वापस से बॉक्स में सोल्डिंग कर दी। और ये काम करने का जो दोस्तों क्रेडिट जाता है वो ये भाई साहब है महादेव मोबाइल गैलरी के ईश्वर मंडलोई भाई साहब, इनको क्रेडिट जाता है। ये मैकेनिक है दोस्तों, इनकी दुकान का नाम है महादेव मोबाइल गैलरी, मध्य प्रदेश जिला धार, तहसील दही, पोस्ट दही। और ये इन्होंने बॉक्स को चालू किया और अभी बॉक्स पे दोस्तों ग्रीन लाइट जलेगी। तो देख लो दोस्तों ग्रीन लाइट जल गई और चैनल नंबर भी बता रहा है 0000, यानी कि आपका बॉक्स जो है सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है और चालू भी हो चुका है। और दोस्तों मेरे पास टीवी नहीं है फिलहाल में, तो अब मैं इनके भाई साहब के बॉक्स को पैक कर देता हूँ और लेकर के पोस्ट ऑफिस में जाता हूँ वापस से देने के लिए। ये मैं आ चुका हूँ मेरे गाँव के छोटे से पोस्ट ऑफिस पर, और यहाँ पर आकर के मैं सारे के सारे जो पैक बॉक्सेस है वो ये पड़े बॉक्सेस। और ये है भाई जेम्स भाई का सरदारपुर तहसील से, इन्होंने बस से नहीं भिजवाया, पोस्ट ऑफिस से भिजवा दिया। और ये मुदस्सर इकबाल वानी भाई साहब है जम्मू कश्मीर के डोडा सिटी से, डोडा के घाट नामक गांव से उनका पार्सल। और ये पश्चिम बंगाल में विमल बोस भाई साहब है, इनको मैं रिलायंस 3G का डोंगल भिजवा रहा हूँ। और एक और भाई साहब को भी भिजवा रहा हूँ, हाजी अहमद भाई साहब को गुजरात के जामनगर से, इनको भी रिलायंस 3G का डोंगल में भिजवा रहा हूँ। तो आज के दिन टोटल 4 पार्सल मेरे गांव के पोस्ट ऑफिस से निकल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं जब भी सामान देता हूँ तो मुझे तत्काल ट्रैकिंग की स्लिप मिलती नहीं है, अगले दिन मिलती है ट्रैकिंग की स्लिप, तो मुझसे तत्काल मांगा ना करें। मेरा छोटा सा गाँव है तो मुझे ट्रैकिंग की स्लिप अगले दिन मिलती है, यहाँ से सामान बड़े पोस्ट ऑफिस में जाता है और वहाँ से अगले दिन स्लिप आती है। तो ये जो आज मैं सामान भेज रहा हूँ इसकी स्लिप मुझे कल मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपका भी कोई सा डेड बॉक्स हो, रिपेयर नहीं हो रहा हो, या कोई सा बॉक्स आपसे हो नहीं पा रहा हो रिपेयर वीडियो देखने के बाद भी, तो मुझे आप भिजवा सकते हो पोस्ट ऑफिस से, मैं इसे रिपेयर करके वापस से भिजवा दूंगा। और अगर कुछ भी सामान की ज़रूरत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए दिन किसी और वीडियो के साथ।